मान लीजिए कि ये आपके दोस्त का लैपटॉप है, अगर जो आप अपने दोस्त के लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करें? अगर जो आप उसका पुराना पासवर्ड जानते होते तो आप सीधे सेटिंग्स में जाके, यूज़र ऑप्शन पे जाके, अकाउंट्स के यूज़र ऑप्शन पे जाकर आप सीधे उसका करंट पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड अपना चूज कर सकते थे। लेकिन आप उसका जब पुराना पासवर्ड ही नहीं जानते तो करंट पासवर्ड डालेंगे कैसे? तो उसके लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जब आप उसका पासवर्ड नहीं जानते पुराना, तो उसका पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, चलिए शुरू करें। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च ऑप्शन में यहाँ पे सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उस पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नेट यूज़र टाइप करना है। जब नेट यूज़र आप टाइप करेंगे तो आपको इंटर दबा देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको नेट यूज़र, फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने जो आपका नाम लिखा होगा, जिस नाम से आपने आपके दोस्त का लैपटॉप है या आपका लैपटॉप है, उसका नाम डाल देना है। देखिए यहाँ पे कैपिटल में, तो मैं कैपिटल में टाइप कर दूंगा अपना यूज़र नेम, मैंने टाइप कर दिया। फिर उसके आगे जो आप पासवर्ड उसका सेट करना चाहते हैं, जो भी पासवर्ड आप चाहते हैं कि उसके लैपटॉप का हो जाए, वो वहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। वैसे मैं सेट कर देता हूँ 123123। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है द कमांड वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, शट डाउन करके रीओपन करके चेक कर लीजिएगा, आपका यही पासवर्ड वर्क। लेकिन गाइज मैं आपको बिना पीसी को रिस्टार्ट और शट डाउन करे हुए मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मेरा पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में ले जाऊँगा मैं आपको, फिर सेटिंग्स को ओपन कर लूँगा। वहाँ पे आपको मैं करंट पासवर्ड डाल के दिखाऊंगा, अगर जो मेरे पासवर्ड चेंज हो गया होगा तो करंट पासवर्ड को एग्री कर लेगा। तो आपको अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में जाने के बाद आपको साइन इन ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको पासवर्ड पे जाना है। तो पासवर्ड पे आपको जाने के बाद वहाँ पे चेंज का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो अभी मैंने पासवर्ड चेंज किया था वही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, अगर वो पासवर्ड सही होगा, चेंज हो गया होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो ये आगे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, देखिए ये एग्री कर लिया इसने, इसका मतलब मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब मैं अपना पुराना वाला पासवर्ड फिर से लगा लूँगा। ये देखिए मैं अपना पुराना पासवर्ड दोबारा टाइप कर लेता हूँ और हिंट में मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पुराना पासवर्ड डाल दिए हैं। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिनिश। मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मज़ा आया वीडियो में या नहीं, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।